नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना कि नींदे उड़ाने वाले पूछते हैं रात को सोते क्यों नहीं। मैंने कहा इतनी ही फिक्र है फिर हमारे होते क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और बच्चों, जो आपके चार डिस्ट्रिक्ट रहते हैं ना, जो झज्जर रहता है आपका, और उसके बाद आपका प्यारे बच्चों नू रहता है, उसके बाद पलवल रहता है, और चरखी दादरी, और एक चंडीगढ़ भी करा दूंगा। ये पांचों प्यारे बच्चों, आपको दो तीन दिन में ये सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा राजस्थान आया था, तो भी यहाँ से प्यारे बच्चों, मैं सोचा कि बच्चों का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इडिया जीके की एक वीडियो उनको दे दी जाए। तो चिंता मत करना, मैं एक दिन में ये तीन चार वीडियो शूट करके आपके लिए डलवा दूंगा। एग्ज़ाम में हरियाणा और इंडिया जीके का महत्व, हरियाणा जीके के साथ इंडिया जीके का उतना ही महत्व है जितना हरियाणा का है। आज बड़े प्यारे बच्चों HSSC के वो सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पीछे विगत एग्ज़ामों में आए हुए हैं, और प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पक्का आपसे पूछे जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आए ना, वो मेरे प्यारे बच्चों का गलत है, नहीं होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, किस आंदोलन में उषा मेहता ने रेडियो का काम किया। सुनना कितना प्यारा क्वेश्चन था, क्या नाम था प्यारे बच्चों? उषा मेहता। उषा मेहता ने किस आंदोलन में रेडियो का काम किया, किस आंदोलन में रेडियो का काम किया? तो प्यारे बच्चों ये आंदोलन होता था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होता था? भारत छोड़ो आंदोलन होता था। गुरुजी, ये भी क्वेश्चन आया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को ग्वालिया टैंक से ये आंदोलन क्या हुआ था शुरू। एक ये क्वेश्चन आ सकता है, ये महात्मा गांधी का अंतिम बड़ा आंदोलन था, महात्मा गांधी का अंतिम बड़ा आंदोलन कौन सा था? तो ये अंतिम, महात्मा गांधी का अंतिम बड़ा आंदोलन था अंग्रेजों, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। और महात्मा गांधी सभी नेताओं को ना कहते हैं, महात्मा गांधी को इस आंदोलन में पूना के आगा खां पैलेस में क्या कर दिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया। फिर महात्मा गांधी का संदेश है ना, वो लोगों तक पहुंचाने का काम किसने किया था? उषा मेहता ने। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन रहेगा प्यारे बच्चों। और भारत छोड़ो आंदोलन से और क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं? यहाँ पर ना एक हरियाणा से एक बड़ा चेहरा था, अरुणा आसापल्ली। क्या था? अरुणा आसप अली। कई किताबें इन्हें अरुणा आसप गांगुली दिखाती है। इनका संबंध कहाँ से था? पंचकुला से था। और इन्हें क्या कहा जाता है, अरुणा आसप अली को? मदर ऑफ ये जो क्या है प्यारे बच्चों, 1942, ठीक है, इंडियन रेवोल्यूशन है ना प्यारे बच्चों, 1942 है ना, हीरोइन ऑफ 1942। ये क्वेश्चन आया था, किसे हीरोइन हो 1942 कहा जाता है? अरुणा आसप अली को। और दो चेहरे इसमें और आएंगे प्यारे बच्चों, जिस दो चेहरों में ना एक नाम आएगा जयप्रकाश नारायण और एक राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। क्या नाम है? राम मनोहर लोहिया। इन दोनों ने भी इस आंदोलन में क्या निभाई थी? सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन याद कर लेना, आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। एक एग्जाम में प्यारे बच्चों डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब भारत में वह पहला कौन सा मुसलमान था जो पहली बार गिरफ्तार किया गया। तो प्यारे बच्चों बात थी 1920 में ना, महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। और कहते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाला पहला मुसलमान कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना को असहयोग आंदोलन के दौरान पहली बार गिरफ्तार किया गया। और भारतीयों के लिए फांसी पर चढ़ने वाला मुसलमान है ना, उनका नाम क्या होता था? अमर क्रांतिकारी अस्फाकुल्ला होता था। क्या होता था? अस्फाकुल्ला होता था। और इनका नाम किस कांड में आया था? काकोरी कांड में आया था। तो आपसे पूछा जाएगा काकोरी कांड कब हुआ था?
1925 में हुआ था, सिंडिकेट बैंक कब बना था, 1925 में बना था। ये वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन एक बार आए ना तो उसको हमें इतना डिटेल में पढ़ना चाहिए ताकि इन फ्यूचर वो क्वेश्चन यहाँ से बने ना तो आपके कोई दिक्कत है नहीं आनी चाहिए। एक बार एग्जाम में प्यारे बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना, इंडिया जीके में एक क्वेश्चन बन गया ना तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़कर जाने हैं, और रिलेटेड पढ़ोगे ना तो आपको प्यारे बच्चों डेफिनेटली ना उसमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। एक बार आया था एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है, एग्जाम में प्यारे बच्चों आपको लाइट ऑफ एशिया मिलेगा, क्या मिलेगा, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति पुंज। ये किसको बोला जाता था, महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है, एशिया का ज्योति पुंज किसको कहा जाता है, महात्मा बुद्ध। पिता का नाम पूछे थे ना, इनके पिता का नाम क्या होता था, सुधो धन होता था, माता का नाम क्या होता था, महा माया होता था, और महामाया की मृत्यु के बाद इनको इनकी मौसी ने, इनके पिता ने अपनी साली से शादी कर ली, उनका नाम क्या होता था, गौतमी प्रजापति होता था, और गौतमी प्रजापति के कारण ये क्या कहलाए थे, गौतम बुद्ध कहलाए थे। इन्हें एशिया का क्या कहा जाता है, ज्योति पुंज कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध है प्यारे बच्चों, इनका एक बेटा होता था राहुल। एक बार ना एसएससी ने क्वेश्चन पूछा कि राहुल का अर्थ क्या होता है, तो राहुल का अर्थ होता है प्यारे बच्चों एक और बंधन। राहुल का अर्थ क्या होता है, तो राहुल का अर्थ क्या होता है, एक और बंधन। यानी महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था ना तो एक कौंडल्य ऋषि थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी सुधोधन को कि या तो ये ना क्या बनेगा, एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ये एक वैरागी बनेगा। और जब महात्मा बुद्ध प्यारे बच्चों एकांत में बैठे रहते थे तो सुधोधन को अपने पिता की, अपने बेटे की चिंता थी कि तेरे बाद तेरी विरासत को कौन संभालेगा, इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने बेटे की शादी जल्दी में कर दी थी। और इसीलिए प्यारे बच्चों कहते हैं इनका नाम, एक बेटा हुआ जिनका नाम क्या होता था, राहुल, जिसका अर्थ होता था एक और बंधन। महात्मा बुद्ध कहते थे मैं तो पहले ही बंधन में था और अब एक और बंधन हो गया। बाद में प्यारे बच्चों ये 29 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग कर देंगे और फिर ये आगे जाकर ना पहला उपदेश अपना कहाँ पर देंगे, सारनाथ में, वो महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहलाएगा। और प्यारे बच्चों बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट क्यों करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों, एंशियंट इंडिया, मिडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, तीनों की प्लेलिस्ट डाल रखी है और एक एक क्वेश्चन इतना डिटेल से करवाया हुआ है, वहाँ जाके चेक करना, मज़ा आ जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दे देना प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट है। और आप बच्चे कह रहे हैं सर हमें ये जो आगामी 50+ एग्जाम है प्यारे बच्चों इनका हमने एक कोर्स बना दिया 249 का, सभी के सभी सब्जेक्ट रहेंगे, एक जीके नहीं मिलती इतने में सभी सब्जेक्ट रहेंगे एडवांस में, ये सभी जो ग्राम सचिव कनाल पटवारी पटवारी सभी के लिए, और एक 349 में अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो हरियाणा पुलिस के लिए रहेगा। तो ये प्यारे बच्चों आप देख सकते हो और यहाँ से आपको डेफिनेटली सहायता मिलेगी। नंबर दे देता हूँ 7478-4007, एक महीने के अंदर क्विक रिवीजन आप ले सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कोई भी क्वेश्चन आए ना वो मेरे लाडले बच्चों का गलत है नहीं होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों जैसे हम आगे डिस्कस करते हैं, एक बार एक एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था कि सिकंदर शाह लोदी ने आगरा कब बसाया, ये एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था सिकंदर शाह लोदी ने आगरा कब बसाया, सिकंदर शाह लोदी ने आगरा कब बसाया। तो प्यारे बच्चों सिकंदर शाह लोदी है ना इसने आगरा बसाया था, 1504 में बसाया था। और आगरा क्यों बसाया था प्यारे बच्चों, कहते हैं इसने ना राजपूत राजाओं पर ना नियंत्रण करने के लिए आगरा बसाया था, और 1506 में इसने आगरा को क्या बना लिया था, अपनी राजधानी बना लिया था। और एक क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों आगरा में कौन सा किला है, बादलगढ़ का किला है, और बादलगढ़ का किला कहते हैं प्यारे बच्चों मध्यकालीन भारत का सबसे
महत्वपूर्ण किला कौन सा था? तो मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला कौन सा होता था? बादलगढ़ का किला होता था। सिकंदर शाह लोदी ने भूमि मापने की एक इकाई चलाई थी, गज ए सिकंदरी चलाई थी, गज ए सिकंदरी। और इन्होंने कहते हैं प्यारे बच्चों, संस्कृत के आयुर्वेद का ग्रंथ का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? फारसी में। और उसे क्या कहा गया प्यारे बच्चों? फरहंगे सिकंदरी कहा गया। क्या कहा गया? फरहंगे सिकंदरी कहा गया। इनके टाइम में प्यारे बच्चों एक संगीत का ना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होता था, जिसका नाम क्या होता था? लज्जत ए सिकंदरी होता था, या लज्जत ए सिकंदर शाही। इनके टाइम में संगीत का क्या होता था? एक महत्वपूर्ण ग्रंथ होता था प्यारे बच्चों। कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आप जब डिटेल से नहीं पढ़ोगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और 1517 में कहते हैं सिकंदर शाह लोदी की ना गले में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। फिर इनका जो पिता होता था उसका नाम क्या होता था प्यारे बच्चों? सिकंदर शाह लोदी, यह याद कर लेना। इनके पिता का नाम बहलोल लोदी होता था। और बहलोल लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1451 से लेकर 1489। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसका होता था? बहलोल लोदी का। दिल्ली सल्तनत में क्या होता था? सबसे लंबा कार्यकाल होता था। और प्यारे बच्चों, बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्के चलाए थे, जो अकबर के शासनकाल तक चलते थे, क्योंकि अकबर का जलाल नाम होता था ना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर ने जलाल सिक्के चलाए, उस टाइम तक ये बहलोली क्या चलते थे? सिक्के चलते थे। और वो अपने सैनिकों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था, बहलोल लोदी। तो प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला अफगान शासक तो बहलोल लोदी था। लेकिन ये क्वेश्चन आए दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला शक्तिशाली शासक अफगान कौन था? तो वो बाबर था। जैसे प्यारे बच्चों, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट तो हेमू था, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट पूछे तो वो पृथ्वीराज क्या होता था? चौहान होता था। क्या होता था? पृथ्वीराज चौहान। यहाँ से प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। हिंदू राजा की बात हो रही है। किस राजा की बात हो रही है? कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली हिंदू राजा तो पृथ्वीराज चौहान था, और अंतिम से राजा पूछे तो हिंदू वो कौन होता था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसका मतलब हेमू ये नहीं है कि शक्तिशाली नहीं था, हेमू शक्तिशाली था, 22 लड़ाइयाँ लड़ा था, हारा नहीं था, लेकिन इनसे ज़्यादा शक्तिशाली किसे माना जाता है? पृथ्वीराज चौहान को ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको बहुत ज़्यादा एग्जामों में हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, बता देता हूँ, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे बनने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे हैं ना कराए असहयोग आंदोलन, तो महात्मा गांधी का 1917 में भारत में पहला आंदोलन होता था चंपारण सत्याग्रह। कौन सा होता था? और चंपारण सत्याग्रह किसकी खेती करने वाले किसानों का था? नील की खेती करने वाले किसानों का था। 1918 में कौन सा आंदोलन होता था? खेड़ा आंदोलन होता था। और 1918 में ही कौन सा आंदोलन होता था? अहमदाबाद आंदोलन होता था। और अहमदाबाद आंदोलन किसका होता था? मिल मजदूरों का। कौन सा आंदोलन होता था? अहमदाबाद आंदोलन होता था। ये भी दोनों क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपको क्या पहुंचाएंगे प्यारे बच्चों? बहुत सहायता पहुंचाएंगे। चंपारण होता था नील की, इसे प्यारे बच्चों इस आंदोलन को क्या कहते हैं? तीन कठिया प्रथा भी कहा जाता था। पहले कहते हैं भूमि के एक तिहाई हिस्से पर नील की खेती करने वाला अनिवार्य होता था। एक राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति था, जिसने ना महात्मा गांधी को ना चंपारण में इनवाइट किया था, और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई थी। और महात्मा गांधी का ये पहला सफल आंदोलन था। और 1920 में महात्मा गांधी ने ना असहयोग आंदोलन चलाया था। और 1919 में जो खिलाफत आंदोलन चला था ना, जो मोहम्मद अली और शौकत के नेतृत्व में, उसका अध्यक्ष भी किसको बनाया गया था प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी को बनाया गया था। ये सारी चीजें आप जब पढ़ते हो ना, तो प्यारे बच्चों मतलब डिटेल से पढ़ने में मैं तो कहता हूँ फायदा है, ऊपर ऊपर से पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महात्मा गांधी की भारत में पहली गिरफ्तारी कहाँ पर हुई? तो महात्मा गांधी की भारत में
भारत में पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी की भारत में पहली गिरफ्तारी वैसे रियल में 8 अप्रैल 1919 को हुई थी। HSSC मानती है 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। ये महात्मा गांधी की भारत में क्या थी, पहली गिरफ्तारी थी। पलवल बस से जो रेलवे स्टेशन है ना, उसके बाद साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी को 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया, लेकिन HSSC 10 अप्रैल मानती है। और महात्मा गांधी 30 जुलाई 1919 को कहाँ से गिरफ्तार किए गए थे? हिसार से गिरफ्तार किए गए थे। और महात्मा गांधी कहते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना जैसे आपको पता है 3 दिन बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा ना, 13 अप्रैल 1919 को, क्योंकि अंग्रेजों ने एक रोलेट एक्ट लागू किया था जिसमें ना किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, उसे ना अपील, ना वकील और ना दलील देने का अधिकार था। इसलिए महात्मा गांधी हरियाणा वालों से सहायता लेने के लिए आ रहे थे। उनको पता था अगर हरियाणा वालों ने साथ दे दिया ना, ये दिल से जुड़ेंगे, इनमें वो नहीं है, एक बार कह दिया तो कह दिया। तो कहते हैं महात्मा गांधी को हरियाणा में एंट्री, पलवल से उनको ना वापिस गुजरात वाली रेल में बिठा दिया गया था। तो ये चीज़ें हैं ना, रियल में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? महात्मा गांधी की हिसार से हुई थी। और महात्मा गांधी जब भिवानी आई ना, उन्होंने अंग्रेजों के लिए पहली बार एक शब्द का प्रयोग था किया था, वो कौन था? अंग्रेजों के लिए महात्मा गांधी ने ना शैतान शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में भी आपसे बन सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कोई भी एग्जाम हो ना, यहाँ से क्वेश्चन आए तो मेरे लाडले बच्चों का गलत है नहीं होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों जैसे क्वेश्चन ये बना था, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन है ना, मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन उठने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो लेकिन क्वेश्चन आपसे पक्के पूछे जाएंगे। मैं तो सबसे ज़्यादा आपको कहूँगा, एक बार आया था पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो ये शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का एकमात्र ऐसा मतलब उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा रहेगा। कौन सा रहेगा? चंद्रमा रहेगा। ये प्यारे बच्चों अगर आए किस ग्रह में वल्ले पाए जाते हैं, तो प्यारे बच्चों वल्ले जो है ना चारों ओर है ना, वल्ले है, वल्लेयों की अधिकता के कारण शनि ग्रह ना क्या दिखाई देता है, सबसे सुंदर शनि ग्रह। वल्ले अन्य ग्रहों के इर्द गिर्द भी पाए जाते हैं, लेकिन शनि ग्रह के इर्द गिर्द भी क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? वल्ले पाए जाते हैं। कुछ 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, 4 बाह्य ग्रह होंगे। एक दिन मैं आपको सोलर सिस्टम करवाऊंगा पूरा का पूरा। आपको कोई क्वेश्चन आए ना सोलर सिस्टम से, फिर आपका गलत है नहीं होगा प्यारे बच्चों। यहाँ से ना क्वेश्चन बनने के चांसेज ज़्यादा रहते हैं। ज्योग्राफी की भी मैं इंपॉर्टेंट सारी क्लासें ना आपके लिए डलवा दूंगा एग्जाम से पहले। और एक है ना प्यारे बच्चों, जो डेट आ रही है ना एग्जाम में, जनवरी के इंपॉर्टेंट, फरवरी के इंपॉर्टेंट दिन, तो मैं करूँगा 1 जनवरी से दिसंबर तक की ना एक वीडियो बना दूँ ट्रिक के साथ। और आज तक जितने भी डेज आए हैं ना, उस एक वीडियो से आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है? उस जैसे एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन आया था, हम है ना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है प्यारे बच्चों 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 12 जनवरी को क्या होता है? ये प्यारे बच्चों राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस है ना किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। और प्यारे बच्चों 23 जनवरी को किसकी जयंती होती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या होती है, जयंती होती है। 25 जनवरी को क्या होता है? वोटर डे होता है। कौन सा डे होता है? वोटर डे, क्योंकि प्यारे बच्चों भारत का है ना जो 25 जनवरी 1950 को ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है चुनाव आयोग, यहाँ से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में बन जाएंगे। ये डेज वाले वीडियो है ना, ये वीडियो बच्चों के लिए मैं तो कहता हूँ रामबाण साबित होने वाली है। जनवरी से दिसंबर तक के ना ये डेज है ना, मैं आपको पूरी तरह करवा दूंगा एग्जाम से पहले पहले। और प्यारे बच्चों एक मैराथन क्लास है ना, मैं कोशिश करूँगा एंशियंट मिडिवल मॉडर्न सारा का सारा है ना मैं आपको करवा दूँ, ताकि है ना क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तो करवा ही दूं, क्योंकि अब कंसेप्ट समझने का आपके पास टाइम नहीं है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप चीज़ें पढ़ लोगे ना तो आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टिक ही तो करना है,
तो प्यारे बच्चों अब है ना अंतिम टाइम आ गया है, मतलब वो अब सपोज करो माँ भारती आपका इंतज़ार कर रही है। यहाँ माँ भारती है ना, वो प्यारे बच्चों आपकी क्या रहेगी, परीक्षा रहेगी, और आपको ना इस परीक्षा में हर हाल में क्या होना है, सफल होना है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा, कल हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और किसी भी हालत में एजुकेशन को बंद मत होने देना। इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, कल दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।